हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजू हब ऑनलाइन क्लास इज 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे स्फीरोसोम। नेक्स्ट कोशिकांग जो है वो स्फीरोसोम है, देखेंगे। स्फीरोसोम जो है इसकी खोज बेंजियार्ड पेरनर ने की थी, खोज बेंजियार्ड 1919, पेरनर 1952, इन्होंने खोजा था इसको। दोनों ने ही इसकी खोज जो की है वो प्लांट सेल में की है, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में इसकी खोज की है। एनिमल सेल जो होती है, जंतु कोशिकाएं जो होती है, उसके अंदर स्फीरोसोम नहीं पाया जाता। अब इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखें, उस वक्त ये इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे कि पादप कोशिका में स्फीरोसोम पाया जाता है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। निर्माण जो होता है स्फीरोसोम का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः द्रवी जाली का, अंतः द्रवी जाली का जो होती है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। स्फीरोसोम जो है ये भी एकल झिल्ली युक्त होता है, इसके चारों तरफ भी एकल झिल्ली पाई जाती है। अब एकल झिल्ली पाई जाती है इसका मतलब हम लास्ट में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, स्फीरोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा या नहीं, यूकैरियोट्स में होगा या नहीं, तो यहाँ से हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। एकल झिल्ली युक्त होता है इस वजह से प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें ये एब्सेंट होगा, और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें ये प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा। इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है एकल झिल्ली, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की। याद रखना है स्फीरोसोम जो होता है उसके अंदर एकल झिल्ली जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा बनी होती है। इसकी संरचना जो होती है वो गोलाकार होती है, यानी कि ये राउंडेड होता है। इसके अंदर स्फीरोसोम जो होता है उसमें लाइसोसोम की तरह ही, लाइसोसोम में हमने पढ़ा है कि उसमें विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो उसके जैसे ही इसमें भी उसके समान ही एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है। हाइड्रोलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका पाचन करता है, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर बात करें तो स्फीरोसोम जो होता है ये लिपिड सेल्स जो होती हैं, वसा कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें बहुतायात में पाया जाता है, ये बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे लिपिड, वसा का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कि ऑयली होती हैं, यानी कि जिनमें तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब तेल हमें किस किस से प्राप्त होता है अपने आसपास हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें मूँगफली जो होती है, मूँगफली में ऑयल होता है, तिल जो होता है उसमें ऑयल होता है, सरसों होती है उसमें भी तिल होता है। तो इनकी जो सेल्स होती है इनके अंदर स्फीरोसोम की जो संख्या है वो ज़्यादा पाई जाएगी, मूंगफली, सरसों और तिल। ये तो हम यहाँ से फसलें आ गई, पादप आ गया कि कौन से पादप में ये ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इन पादपों में भी कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं अब हम देख सकते हैं कि मूँगफली, तिल और सरसों जो होती है पादप के किस भाग से हमें ऑयल प्राप्त होता है? सभी के अंदर आएगा बीज, जो उनका बीज होता है उससे हमें प्राप्त होती है। बीज में भी, बीज पत्रों से, बीज पत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमें यहाँ पे जो याद रखना है, सर्वाधिक मात्रा में जो स्फीरोसोम है, पहली बात तो ये है कि वो पाया किस में जाता है? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में कौन से पादपों की कोशिकाओं में?
जिनमें वसा होती है, लिपिड होता है, यानी कि जिनसे ऑयल प्राप्त होता है। अब ऑयल किससे प्राप्त होता है? मूंगफली से, सरसों से, तिल से, और भी है, लेकिन मेन जो है वो यही है। अब इनके भी कौन से भाग से? बीज पत्र की कोशिकाओं से हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद में स्पिरोसोम जो है, इसके कार्य में सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मेनली फैट से रिलेटेड ही है कि इस ये जो होते हैं ये वसीय पदार्थों का एकत्रण करते हैं। वसीय ओली पदार्थ जो होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, उनका परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाने का कार्य, ट्रांसपोरेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट, उसका कार्य ये करते हैं, संश्लेषण करते हैं। वसीय पदार्थ जो है वो ये बनाते हैं। इस प्रकार से स्पिरोसोम जो है वो कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन और उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो स्पिरोसोम जो दे रखा है हमारी बुक में वो इतना ही है। थैंक यू।